अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ MC 10। तो उनके बिग बॉस मोमेंट है, एटीट्यूड मोमेंट है भाई, एटीट्यूड बॉय है। तो करते वीडियो को स्टार्ट। काफ़ी रिक्वेस्ट थी इन पर करने को। फाइनल होता और ये ट्रॉफी होती तो ऐसे ही बलिदान देते क्या सर? हाँ सर, हाँ सर। क्या है तेरा 80,000 का जूता, 35 का देखा सर, देखा सर। नहीं मेरे को बताया गया भाई, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। सर वो ऐसा सीन था कि मैं फ्लेक्स कर रहा था, मैंने जिंदगी में मेरा फर्स्ट टाइम 80,000 का शूज लिया था। वो शूज मैं फ्लेक्स कर रहा था मेरे लाइफ पे सर, तो रैंडमली ऐसा फेमस हो गया कि 80,000 का, और जितने भी स्नीकर हेड है ना तो उन लोग फुल ऐसा फील करने लगे कि हाँ 80,000 का शूज है ये वो। तो उस पर रीज बन गया सर। क्या ऑन क्या सीन, और कितने का जूता था? 80,000 का था। जब बेटा टेन गाली तूने शुरू की थी, जब किसी को गाली बकता है ना तो रिटर्न में ना गाली सुनने की भी आदत डाल दे। अगर वो क्षमता नहीं है ना तो खुद गाली नहीं बकना बेटा। अम्मी को ये क्लिप भेजूं तो ये देखो अम्मी आपका बेटा। सर वो गलत किया मैंने बोला। गाड़ी भी नहीं लोगे अभी, रिक्शा में घूम के एंडिंग तक। अरे तो मेरा खाना डालूंगा। अरे छोड़ना छोड़ना अभी शेमड़े। छोड़ 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 मत कर चल। अरे लोखंड वाले में घुस के मारूंगा, निकल ले दे एक बार। मेरा पर नहीं गैंगस्टर है, तू रैपर नहीं डांसर है, एक्टिंग तू कर रेला रावा सफर, तू शायद से एक्टर है। मैं जाने का दोस्तों के मैटर में, देखो मारने का मन भी नहीं कर रेला, सड़े लग कैंसर है तू, देखो इसलिए मैं लेके नहीं जाता ब्रो किधर भी, क्योंकि ब्रो फाचड़े तू। यार मैं तो लेवल चेक कर फोड़ डालूंगा सब लाइटर। मैं स्टाइल से देती हूँ इसी के स्टाइल से फोड़ डालूंगा सब लाइटर। फोड़ के दिखाना। दिखाता ना, दिखाना पॉकेट में अंकित के, बता भी दिया कहाँ पर है आपका। दिखाती मैं वहाँ से पहले। ये एक है, बॉम एक है। हाँ चल किधर चलू, चल ना हरकतें जाना। तेरे अंकित के सामने ये सब बातें बोल रही क्या? चल मेरे को गाड़ी को लेके आ रही है। तेरे केले को लेके जाना, मेरे को गाड़ी को लेके आ रही है। हूँ मैं तो इरिटेट कर। दो दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या तुझे? उसको लेके जाना। मैं जिसको लेकर जाऊंगी ले जाऊंगी, तू तो मेरे को क्यों बोल रही? चल मेरे को मत बोल, चल चल चल। एक बस ने हो गया क्या? चल ये देखो आप इसे चल आदेंगे बच्चे तो बच्चे भी इरिटेट होगा। हर एक हर इंसान इरिटेट होगा ये आवाज से। एग्जैक्टली। हाँ और चल चल मत बोल। यार कैसे कैसे किधर लेके आ रहे? मेरे को नहीं आना है, मेरी है गर्लफ्रेंड बाहर। शालिन और एमसी की एमसी स्टैंड की लड़ाई हो गई। कौन कहता है कि लड़ने के लिए बॉडी चाहिए? हक वाली बात है, लड़ने के लिए सिर्फ जिगरा चाहिए जो एमसी के पास है। अरे लोखंड वाले में घुस के मारूंगा, निकल ले दे एक बार। बहुत अमीर है क्या ये लोग? नहीं ये तो नॉट पैसे की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे अमीर पैसे की वजह से कोई नहीं आया हुआ है तो वो क्या कर रहे हैं? अगर बिग बॉस में लाया हुआ है ना सबको, अरे चार पैसे का है भी मचोनी आज हो रहा है, वखरा स्टाइल भी बवखरी दी तोड़े नहीं मसो मार चल दे नहीं साडी गल हो रहे नहीं जो भी सब चिल मोड रहंदी सानू को बाबा को पोपट बस नहीं हो गया। पोपट भी आया बोला केले तू बस नहीं हो गया क्या? उसको बोले लेके जाना। क्यों उसको दो दो बॉयफ्रेंड? दो दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या आपको? चल 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 किधर लेके जा रही मेरे को? वेरी गुड। गंदी है गंदी हो क्या तुम? बोला कहा लेके जा रहे हो मेरे को? क्या गंदे चाले कर रहे हो? चल 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 मेरे साथ। ये क्या सीन है क्या ब्रो? गंदी चाले में बोले बस सबसे तो गंदे चाले जे हो गया ये ब्रो। चल अभी कोई मैं वो लोग गाली गलौज करते हैं। लिसन लिसन टीसी क्या है उसमें? अगर मेरे को कोई लड़की बोल रही चल चल तो मैं क्या समझूंगा? लेके जा रही किधर तू? शी क्या
गंदे हो क्या आप? Exactly. मतलब बट ये इन लोगों की आदत है बदतमीजी से बात करना, हम लोग की आदत है ही इसका चलचल तो ब्रो मैं 40 दिन से क्या सोच रहा था टिन से मालूम क्या कि अरे यार अपन इनके ऐसा करे तो अपने में और उनमें क्या फर्क, क्या फर्क है? लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन ला के दे रहे ना ब्रो कि फर्क छोड़ डालो, अभी ये करना ही पड़ेगा उनको, वैसे रिप्लाई देना पड़ेगा। सर अभी तो मैं एड भागा दूंगा सर। नहीं 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 अभी सर अभी मुझे सच्ची बताओ क्या बात चालू था अपना, क्या बात चालू था वो कैसे बीच में है अभी देखे ना आपने, एक से उसको तो मालूम भी नहीं क्या बात चालू, तो फिर अभी हम भी आते फिर इसीलिए हर बात में घुसूंगा, अभी नहीं घुसा तो बोलो भाई घुस देखो ना अभी क्या मेरा पर्सनालिटी चेंज होएगा। अरे मैं ऐसा नहीं है, मेरे को बना है ना अभी, मेरे को ऐसा नहीं क्या खुजली करे अभी नहीं, मजबूर करे ये चीज करने पे। डायमंड पहन के घूम रहा है हेवी नहीं है है ना हेवी लाइक मेरे को आदत मतलब नहीं वजन बढ़ाने का इसका ये आइडिया है ये बता दे कितने का है? 150,000 का रहेगा सर। 1.5 करोड़ फैंसी। टी टाउन का क्या है सर? पुणे से टी टाउन कैसे करते हैं? टी टाउन जैसा जैसी शक्ल है। आ, तेरी शक्ल देखी क्या एक्टिव है जैसे बहुत अच्छी मेरी कितने लोग मरते हैं जैसे मुंह की इधर रुकते क्या रुकना इधर बात आ रहा मेरे को ये हंसी किसकी थी? तुम्हारे माँ बाप के फैन बनो ना रे, मेरे को सिर्फ सुनो फैन मत बनो मेरे को सुनो। फैन मेरा रहेगा तो माँ बाप को मान, फैन मेरा रहेगा तो सुन मेरी जान, माँ बाप को तकलीफ मत दे मेरे लिए, तुम्हारे बरेले कान, अभी उनका बना मैं सलमान खान, ज्यादा बैर इंसान को पसंद है माँ, माँ बाप ने बचपन से करा तेरे लिए, और एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या दिया। ये रहा एमसी स्टैन के एटीट्यूड मोमेंट्स इन बिग बॉस, तो काफी ज्यादा मजेदार थे भाई इसके एटीट्यूड अलग भाई। जाहिर सी बात है वहां पर खड़े हर शख्स से ही अमीर है, क्योंकि भाई वो जब तुम ऐसे सोना चांदी में फिरते रहते हो ना तो वैसे ही किसी की बात हिम्मत नहीं पड़ती तुमसे बात करने, पता है कि भाई आजकल वही सीन है ना कि भाई अगर कोई अमीर है तो वो सही है, कोई गरीब है तो वही सीन है, तो उसका लेवल थोड़ा हाई है अलग ही। वो जैसे वो कह रही थी ना कि भाई अगर बहस हो रही है तो एकदम से अमीरी दिखा दो कि भाई 4 करोड़ तो उसका तो सीधा सीधा ये बंदा ही है, तो ये चीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी वीडियो, और अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं इनके वो मोमेंट्स पर रिएक्ट करूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।